राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापा मारा है। कुलगाम, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग में कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि वॉइस ऑफ हिंदी पत्रिका से जुड़े मामलों में ये कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि टीआरएस के कमांडर सज्जाद गुल के घर पर भी अधिकारियों ने छापा मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की गर्जना सुनने को मिलेगी। ये यूपी में उनके चुनाव अभियान की शुरुआत है। कांग्रेस की कोशिश है कि पूर्वांचल में भी नए कृषि कानून सशक्त मुद्दा बने। मोदी के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस देश प्रदेश में ये संदेश देना चाहती है कि उसे कमजोर न समझा जाए। तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। तब तक आशीष को न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। पुलिस आशीष को जिला कारागार लखीमपुर लेकर गई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,166 नए मामले सामने आए हैं और 214 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 23,624 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि भारत में अब कोरोना के 2,30,971 सक्रिय मरीज बचे हैं, जो कि 208 दिनों में सबसे कम है। त्योहारी सीजन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने आज यानी 10 अक्टूबर से सैकड़ों विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। यात्रा की श्रेणी के आधार पर विशेष ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों के किराए से महंगा होगा। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विशेष ट्रेनें उत्तर भारत के वाराणसी, लखनऊ, बिहार, बंगाल समेत दिल्ली जैसे अन्य स्थानों के लिए चलाई जाएंगी। आज देश भर में यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रीलिम्स की परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा दो पारियों में आयोजित की गई है। राजधानी जयपुर में इसके लिए 104 परीक्षा केंद्रों पर 45,552 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वहीं इस दौरान कोविड-19 के नियमों की पालना भी की जा रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक दलित युवक की हत्या के मामले को लेकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस राज में दलितों की हत्या होने और कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये हत्या अति दुखद व निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है। अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के अग्रणी लेखकों में से एक पद्म विभूषण आर के नारायण की आज जयंती है। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा कि उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से मालगुड़ी के काल्पनिक शहर को अमर कर दिया और लेखन में उनके सामान्य हास्य, लालित्य और सादगी के लिए हमेशा प्रशंसा की जाएगी। मेवाड़ में टाइगर की गूंज और टूरिज्म के लिए बड़ी खुशखबर है। केंद्र की हायर लेवल कमेटी ने 2 माह के सर्वे के बाद कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व पर मोहर लगा दी है। ये 4 जिलों उदयपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही में फैला होगा। आज पर्यावरण मंत्रालय को इसकी गोपनीय रिपोर्ट भेज दी गई है। इस रिपोर्ट में 2053 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही गई है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल के दामों में 31 पैसे और डीजल के दामों में 37 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसी के साथ अब जयपुर में पेट्रोल की कीमत 111.36 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 102.31 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।